नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की एक ऐसे शख्स के बारे में जो लालू और नीतीश के बीच में फंस कर रह गए हैं। एक समय था जब शरद यादव देश की राजनीति में स्टार राजनेताओं में उनकी गिनती होती थी। जब लोग शरद यादव की राजनीतिक जीवन के बारे में याद करते हैं तो उसमें इंदिरा गांधी के हराने का फार्मूला तो जरूर याद करते हैं। हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि शरद यादव ने कैसे इंदिरा गांधी की पार्टी को पटकनी दी थी। लेकिन वर्तमान में शरद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक पेंडुलम की तरह रह गए हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। साल 2017 में जब नीतीश कुमार ने दोबारा गठबंधन किया तो शरद यादव ने विद्रोह कर दिया। 2018 में उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाई, लालू यादव से दोस्ती गांठने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत जमी नहीं। इसके बाद उन्होंने मजबूरन 2019 का लोकसभा चुनाव राजद के सिंबल पर लड़ना पड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव के ठीक एक साल बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में यह बात सामने आई कि शरद यादव एक बार फिर से जदयू का दामन थाम सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ अटकलों में ही रह गया। आइए अब बात करते हैं शरद यादव के राजनीतिक शुरुआत के बारे में। शरद यादव का देश की राजनीति में उस समय वे स्वीकार हो गए थे जब उन्होंने इंदिरा गांधी को पटकनी देने के लिए पहली पटकथा लिखी थी। साल 1974 में जबलपुर के सांसद सेठ गोविंद का निधन हो गया था। इनके निधन के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई। उसी समय सभी गैर कांग्रेसी दलों को एक मिलित उम्मीदवार की जरूरत थी। इसके लिए वो शरद यादव को उन्होंने राज कर लिया, जिसके बाद शरद यादव जनता के एक उम्मीदवार के रूप में सामने आए। जबलपुर उपचुनाव के बाद से जनता पार्टी की नींव रखी गई। इस उपचुनाव में शरद यादव ने हलधर किसान चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। बाद के दिनों में यही हलधर किसान चुनाव चिन्ह जनता पार्टी का सिंबल बन गया। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने जहां सेठ गोविंद दास के पुत्र रवि मोहन दास को उम्मीदवार बनाया, इस सीट पर सेठ गोविंद दास का गढ़ माना जाता था। इस उपचुनाव में कांग्रेस को उम्मीद थी कि रवि मोहन सहानुभूति वोट से आसानी से यह चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शरद यादव ने रवि मोहन को हराकर राजनीति की दिशा ही बदल दी। उपचुनाव में जीत के बाद यह कहा जाने लगा कि विपक्षी पार्टियों के एकजुट होकर चुनाव लड़े तो इंदिरा गांधी को हरा सकते हैं। साल 1977 में ऐसा ही हुआ और केंद्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। शरद यादव 1977 में जबलपुर से फिर जीते। इसके बाद भारतीय राजनीति का एक हीरो बनकर सामने आए। यही वह समय था जब शरद यादव जबलपुर से बिहार की ओर रुख कर रहे थे। 1986 में शरद यादव राज्यसभा में भेजे गए। उसके बाद 1989 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो शरद यादव जबलपुर से उत्तर प्रदेश के बदायूं आ गए। यहां पर उन्हें जीत मिली। इस जीत के बाद उन्हें बीपी सरकार के मंत्रिमंडल में कपड़ा मंत्री बनाया गया। इस लोकसभा चुनाव में लालू यादव भी जीत कर संसद पहुंचे थे। छात्र राजनीति के दौरान लालू यादव और शरद यादव में दोस्ती थी। इस समय बिहार में मुख्यमंत्री बनने की होड़ चल रही थी। उस समय प्रधानमंत्री बीपी सिंह और देवीलाल के बीच में झगड़ा चरम पर था। लालू यादव को देवीलाल का आशीर्वाद प्राप्त था। उस तोड़जोड़ की लड़ाई में तब शरद यादव ने लालू यादव का साथ दिया था। लालू यादव बिहार का सीएम बन गए। शरद यादव और लालू यादव में गहरी दोस्ती हो गई। 1991 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो लालू यादव ने शरद यादव के मधेपुरा से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। शरद जबलपुर से बिहार आ गए। शरद यादव बिहार आने के बाद उन्हें लालू यादव ने अपनी सेफ सीट मधेपुरा की सीट दे दी। यहाँ यादवों का गढ़ माना जाता है। साल 1991 में वो यहाँ से जीत गए। 1995 में उन्हें जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 1996 का लोकसभा चुनाव भी जीत गए। इस समय लालू यादव चारा घोटाला मामले में आरोपी पाए गए। उस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1997 आते आते लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। इस स्थिति को देख जनता दल के वरिष्ठ नेताओं ने लालू यादव को मुख्यमंत्री पद और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने की सलाह दी, लेकिन लालू यादव तैयार नहीं थे। कार्यकारी अध्यक्ष शरद यादव को लालू के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया। जनता दल में चुनाव की घोषणा की गई। इस चुनाव में लालू यादव को इस बात का डर था कि वे चुनाव हार जाएंगे, तो उन्होंने चुनाव के एक दिन पहले ही जनता दल तोड़ दिया और राष्ट्रीय जनता दल के नाम से एक नई राष्ट्रीय पार्टी बना ली। कहा गया कि लालू यादव शरद यादव पर इस बात के लिए नाराज थे कि वे उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कैसे तैयार हो गए। इसी बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच में ठन गई।
साल 1998 में लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने शरद यादव से हिसाब चुकता करने के लिए मैदान में उतर गए, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना पड़ा। हालांकि 1999 में मधेपुरा से लालू यादव की हार हुई, शरद यादव ने हार का बदला ले लिया। साल 2003 में शरद यादव ने जनता दल और नीतीश कुमार की समता पार्टी से मेल कर जनता दल यूनाइटेड बना लिया। इसके अध्यक्ष शरद यादव को बनाया गया। साल 2009 में शरद यादव ने नीतीश कुमार के दम पर मधेपुरा का चुनाव जीता। साल 2014 में जब शरद यादव मधेपुरा से पप्पू यादव से हार गए तो नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। 2016 में नीतीश कुमार ने फिर शरद यादव को राज्यसभा का सदस्य बनाया, लेकिन साल 2017 में जब नीतीश ने राजद से नाता तोड़ा तो शरद यादव बागी हो गए और उन्होंने नीतीश कुमार का खुल्लम खुल्ला विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश भले ही मान गए हों, लेकिन वे सांप्रदायिकता से कभी समझौता नहीं करेंगे। शरद के इस बागी रवैये से नाराज होकर जदयू ने शरद की राज्यसभा सदस्यता रद्द कराने के लिए अर्जी डाल दी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने दिसंबर 2017 में शरद यादव को राज्यसभा सदस्य रद्द कर दिया। इसके बाद शरद यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, जिसके बाद साल 2020 में एक बार फिर से मीडिया में खबर चली कि जदयू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीच में इनकी तबीयत भी अस्वस्थ हो गई। अगर वो एक बार फिर से जदयू में शामिल होते हैं तो क्या वो सहज महसूस करेंगे? तो ये थी शरद यादव की जबलपुर से जदयू तक की यात्रा। बिहार के और भी ऐसी शख्सियतों के बारे में जानने के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।